सर नॉर्थ की कौन सी हीरोइन आपकी फेवरेट है? श्रीदेवी ऑलवेज. नो, श्रीदेवी इज माय आंसर फॉर दिस. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनीचारीएक्स. कैसे हैं जी? तो आज ही हम देखने वाले हैं नेटफ्लिक्स इंडिया से देवरा कास्ट एनटीआर और जानवी और सैफ अली खान जो हैं वो कपिल शो में आ रहे हैं जी. ठीक है जी, उसका आया है क्लिप, तो जल्दी से देख लेते हैं. मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि एनटीआर का मैंने ऐसा कोई देखा नहीं इससे पहले, तो मुझे देखना है कि वो कैजुअल से कैसे लगते हैं. तो देखते हैं साथ में. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन कर, जो कि इंस्टाग्राम पर. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से. तो चलो शुरू करते हैं. जब नॉर्थ और साउथ मिलते हैं तो मजा डबल हो जाता है. मुझे 5 मिनट से लग रहा है कि मुझे बिठाएंगे या ऐसे. सर नॉर्थ की कौन सी हीरोइन आपकी फेवरेट है? श्रीदेवी ऑलवेज. नो, श्रीदेवी इज माय आंसर फॉर द साउथ. पापा ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके थे. वो सुबह उठ के आलू पराठे की जगह वो इडली सांभर खा रहे थे. ऑनेस्टली बाय द एंड ऑफ इट मम्मा एक नॉर्थ इंडियन की तरह झगड़ने लगे. मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ राजमाता. ये तो खाली है राजमाता. कान के नीचे ऐसा चमाट मारूंगी ना तेरे को. क्या कर रहे हैं? क्या है? I'll just keep letting you do it, bro. ये हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे जी, तो मैं 2 बार अच्छा सा खाना भेजा मैंने. सर यहाँ आकर के 1 दिन हो गया, मुझे टुकड़ा भी नहीं आया. सर इनके हाथ का छोड़ो, सर रेस्टोरेंट का डिलीवरी भी नहीं किया. मेरा घोड़ा इधर लगा हुआ, आपको प्रॉब्लम तो नहीं? साइकिल है सर, आई थिंक नंगी आंख से देखेगा साइकिल है. VFX के बाद ये घोड़ा लगा. गुड यार, वाह, श्रीदेवी की इनमें झलक बहुत ज्यादा आने लग गई. आप टीम बहुत अच्छी करती है. और एनटीआर के जो ये मजाक वाले जोक्स ये सारा कुछ, ये अभी जो है ना वो आएगा तो हम जरूर देखेंगे. कपिल का शो तो वैसे भी बड़ा मजे का होता है, लेकिन जब जिस तरह आपके फेवरेट गेस्ट आते हैं और जिस तरह की चिटचैट्स होती हैं और जिस तरह की मस्ती मजाक होते हैं, बड़ा मजा आता है. सैफ भी मेरा ख्याल है बहुत फर्स्ट टाइम आया या बहुत टाइम पहले एनटीआर इससे पहले आ चुके हैं कि नहीं, हो सकता है मैंने कोई मिस कर दी हो, आप लोग बताइएगा. ठीक है, और जानवी का ही बताइएगा इससे पहले गेस्ट बन चुकी हैं कि नहीं. और वो साइकिल वाला सीन बहुत अच्छा था कि इसको जो है ना बगैर उसके देखो VFX के बाद ये कुछ और ही लगेगा. ये हकीकत है, आजकल की फिल्में बनाना बड़ा आसान है यार. कमरे में बना लो बैठ के, मतलब ऐसा लगता है आप जो है टाइटैनिक के जहाज में डूब रहे हो. ये वाला सीन भी है. मुझे ये जरूर बताना कि कपिल शो कौन कौन देखता है ऐसा, बिल्कुल स्पेशली बैठ के सारे काम छोड़ के. ठीक है, नीचे जो है कमेंट में बताना. चलो यार, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय.